बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स ऑफ द डे चैनल में खुश आमदीद। वीडियो की जानी बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि और भी इसी तरह की वीडियोज आपको बआसानी मिल सकें। दोस्तों, वीडियो की जानी बढ़ने से पहले मैं तमाम दोस्तों को बताऊंगा कि वीडियो मुकम्मल तौर पर देखना। अगर आप मुकम्मल नहीं देखेंगे तो इसमें मैं आपको मुकम्मल तरीका अप्लाई करने का नहीं समझा सकूँगा। तो मैं इस वीडियो में आपको यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में अप्लाई करने का तरीका बताऊँगा। दोस्तों, उसकी वेबसाइट में मैं आपको लिए चलता हूँ, ये आप देख सकते हैं www.ue.edu.pt। इस पर मैं क्लिक करूंगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों, वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ लिखा हुआ है एडमिशन फॉर 2019। इस पर मैं अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करूंगा। ये दोस्तों, इन्होंने इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, ये मैंने पढ़ी थी। यहाँ से आप इसका प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आपका इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इसमें क्राइटेरिया जो भी अप्लाई करने का वो तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और इसी तरह आप इस वेबसाइट के जरिए आपने अप्लाई करना है। नीचे लिखा हुआ है, नीचे मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। दोस्तों, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने फिल करना है। यहाँ से दोस्तों आपने इसका कैंपस सेलेक्ट करना है कोई भी, मैं ये कर लेता हूँ अटक कैंपस। इसके बाद आपने डिग्री जो भी है आपकी वो आपने सेलेक्ट करना है, BSc जो भी है। उसके बाद आपने इसका मॉर्निंग है या इवनिंग और सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर लेना है, BS केमिस्ट्री या BS मैथ पे मैं क्लिक करता हूँ। इसी तरह ये दोस्तों आप देख सकते हैं कोटा है, ओपन मेरिट पे कर रहे हैं अप्लाई तो आप ओपन मेरिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने अपना यहाँ नाम लिखना है, मैं यहाँ पे कोई भी नाम लिखता हूँ। यहाँ आपका CNIC नंबर आएगा। उसके बाद आपका फादर नेम है जो भी है आप वो लिखेंगे। अगर आपके फादर जिंदा है तो आप उस पर क्लिक करेंगे, फादर अलाइव तो आपका फादर का CNIC नंबर आएगा यहाँ। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर है जो भी वो आपने यहाँ लिखना है। उसके बाद आप मेल है या फीमेल है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी दोस्तों, नेशनलिटी है पाकिस्तानी और सिंगल है या मैरिड है इस पर क्लिक करना है। रिलीजन आपका इस्लाम है इस पर क्लिक करना है जो भी है। कंट्री है पाकिस्तान, इसी तरह प्रोविंस आपका जो भी है पंजाब है सिंध है जो भी है वो उस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी है डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल जहाँ से है जिससे आप बिलोंग करते हैं उस पर आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट, उसके बाद आपका सिटी है जो भी आपका सिटी है उस पर क्लिक कर देना है। आपका यहाँ एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा जो आपके पास खुद आप यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका दूसरा मोबाइल है तो आप वो लिख देंगे। नेक्स्ट आपका ईमेल एड्रेस दोस्तों जो भी है वो लिख देंगे। नेक्स्ट आप दोस्तों आपने अपनी स्कैन फोटो आपने अपलोड करनी है दोस्तों। यहाँ आपने क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी फोटो सेलेक्ट करके उसको आप अपलोड करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका मैट्रिक का बोर्ड है जो भी है वो उस पर आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट आपका रोल नंबर है जो भी है आपने वो लिखना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रोल नंबर के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपके मैट्रिक के तरफ से लिखा होगा आपने वो लिख देना है यहाँ। नेक्स्ट आपका एग्जामिनेशन टाइप है एनुअल था या सप्लीमेंट्री में था। उसके बाद यहाँ दोस्तों आपने अपना एग्जामिनेशन ईयर लिखना है जिस साल आपने पास किया। उसके बाद आपके मार्क्स आ जाएंगे मैट्रिक के टोटल कितने हैं, उसके बाद आ जाएंगे आपने कितने मार्क्स लिए हैं वो आ जाएंगे यहाँ। उसके बाद दोस्तों आपकी नेक्स्ट क्वालिफिकेशन है जो भी वो आ जाएगी, FSC DAE है जो भी है। उसके बाद आपका बोर्ड आ जाएगा जो भी आपने उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका रोल नंबर आ जाएगा इसमें जो भी रोल नंबर है आपका। नेक्स्ट आपका दोस्तों इसकी सनद पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा कोई भी, वो आपने वो लिख लेना है यहाँ। उसके बाद ये एनुअल पे क्लिक करना है या सप्लीमेंट्री पे आपने। इसके बाद आपका ईयर होगा किस साल आपने पास किया। यहाँ दोस्तों आपने आपके इंग्लिश के मार्क्स जितने टोटल थे वो आपने ऊपर लिखने, नीचे लिखने हैं जितने आपने हासिल किए हैं। उसके बाद दोस्तों आपके इंटरमीडिएट के टोटल मार्क्स जितने आपने वो लिखने, नीचे आपने जो हासिल किए हैं आपने वो लिखने। उसके बाद दोस्तों अगर बैचलर डिग्री है तो आपने उस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट, उसके बाद आप मास्टर हैं तो मास्टर अगर नहीं है तो आप छोड़ देंगे। इसी तरह नेक्स्ट दोस्तों MPhil है ये भी आप छोड़ देंगे अगर आप BS में अप्लाई कर रहे हैं तो। इसके बाद आपने दोस्तों यहाँ आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ अगर आपने अगर दोस्तों इस साल से पहले आपने पहले भी अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी में तो आपने वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, अगर नहीं किया तो इसे खाली छोड़ देना। दोस्तों नेक्स्ट मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो मैं अब ओके करूँगा इसको। दोस्तों आप देख सकते हैं तो आपकी एप्लीकेशन आपका डाटा मुकम्मल तौर पर इंटर हो गया। आप देख सकते हैं आप यहाँ से अपना चुनाव फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना एडमिशन फॉर्म जो आपने फिल किए हैं यहाँ से, अगर आपके एप्लीकेशन में आप समझते हैं कि कोई गलती हो गई है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तीसरे ऑप्शन में दोस्तों, तो मैं इस पर प्रिंट चलान फॉर्म पे मैं दोस्तों क्लिक करूँगा। दोस्तों आप देख सकते हैं ये इसका चलान फॉर्म है दोस्तों। इसमें आपने बैंक ऑफ पंजाब किसी भी ब्रांच में 500 फी जमा करवानी है। फी जमा करवाने के बाद ये चलान फॉर्म आपने अपने पास रखना है। उसके बाद दोस्तों आपने इसी वेबसाइट पर अपनी मेरिट लिस्ट चेक करते रहना है। अगर आपका नाम आ जाए मेरिट लिस्ट में तो आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके
जिस कैंपस में आपने अप्लाई किया उसमें आपने वहाँ पहुँच जाना है। तो अगर आपको अप्लाई करने के दौरान कोई भी मसला पेश आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।